अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में धूम मचाने वाले तेज गेंदबाज हिमांशु चौहान। हिमांशु ने रणजी ट्रॉफी में इस साल 30 विकेट झटक के दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए। आइए करते हैं इनसे बातचीत। हिमांशु, 30 विकेट, ड्रीम डेब्यू इस सीज़न का, मतलब कोई भी एक प्लेयर अगर डेब्यू कर रहा है और 30 विकेट झटक रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। 38.7 का आपका स्ट्राइक रेट था। मैं अपने इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। किसी भी प्लेयर के लिए रणजी ट्रॉफी एक बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे चांस मिला और मैंने अच्छा करा तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला है और इस कॉन्फिडेंस को मैं कैरियर में करते जाऊँ। हिमांशु, इस सीज़न आपने 3 बार 5 विकेट हासिल किए, जबकि मध्य प्रदेश के खिलाफ आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन था, 9 विकेट हासिल किए। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ देखा जाए तो आपने 8 विकेट हासिल किए। सर, हमारा जो मेन मोटिव था वो मैचेस जीतने का था। टोटली मैंने अपनी टीम के लिए जो भी करा सब टीम के लिए था। अपने टीम के लिए मैंने अपनी विकेटें निकाली, इंपॉर्टेंट विकेटें निकाली। MP के मैच हम जीत सकते थे, काफ़ी क्लोज मैच था वो, और उत्तराखंड का मैच जो था वो बहुत क्लोज मैच था, बहुत टफ मैच था ना, तो वो वैसे मैच जीतना बहुत ही अच्छी बात है किसी भी प्लेयर के लिए। आप मैच जिताते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मुश्किलें और संघर्ष कर्तव्य पथ में लाजमी है, और आपकी इस सफ़र में आपको किन सारी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, मैं बेसिकली जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मैंने क्रिकेट खेलना, जब इसी स्कूल में DAV पब्लिक स्कूल में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था। मेरे फिजिकल एजुकेशन टीचर रवि गोस्वामी सर ने मुझे बॉल थमाई थी हाथ में, तो उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी जर्नी में। उन्होंने बहुत कुछ करा, सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, काफ़ी कुछ करा, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पे खेल पाऊंगा, बट मेरी मेहनत आज काम लाई। हिमांशु, भारत में एक क्रिकेटर बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जो मतलब आगे चल के कुछ कर पाते हैं, और फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका किस तरह से सपोर्ट रहा जब आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, और अभी जब आप स्टेट खेल चुके हैं तो उनकी क्या फीलिंग है? सर, जब मैं खेलता था तो मेरे पेरेंट्स, मेरे बेसिकली हर कोई क्रिकेटर आजकल आप देख रहे हो, हर किसी का क्रिकेट बैकग्राउंड है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे खेलते हैं, उनका सपोर्ट रहता है, लेकिन मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग से। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, बट उन्होंने उनकी विशेज और उनका आशीर्वाद आज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे ज़रूरी, मेरी मम्मी पापा का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। पिछले सीज़न आप गुजरात टाइटंस के लिए एक एज अ नेट बॉलर भी थे, तो वहाँ पे आपका क्या रोल था और किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिला जब वहाँ पे टॉप लेवल के प्लेयर्स के साथ आपको खेलने का मौका मिला? सर, मैं पहली बार 19 खेला था तो मैं स्ट्रेट अवे गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ गया था। गुजरात टाइटंस में जुड़कर मुझे एक्चुअल पता लगा कि क्रिकेट क्या होती है। मुझे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला आशीष नेहरा सर से, हार्दिक पांड्या भैया से, राशिद खान भैया से, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। अब आपका जो अगला जो लक्ष्य है वो क्या है, और कब हम आपको भारतीय टीम के लिए खेलते हुए देख सकते हैं? सर, मेरा मेन मोटिव है कि मैं इंडिया जल्दी से जल्दी खेलूं, जो भी आगे टूर्नामेंट्स आए डोमेस्टिक के या दुलीप ट्रॉफी, इमर्जिंग इंडिया, उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँ, और मैं जितनी जल्दी इंडिया खेल सकूँ उतनी जल्दी खेलने की कोशिश करूँ। तो ये थे हिमांशु चौहान, जिन्होंने दिल्ली के लिए 30 विकेट हासिल कर उम्दा प्रदर्शन किया। प्रतिभा और लगन हो तो कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है, और हिमांशु चौहान इस बात की मिसाल है। जल्द ही हम इनको इंडिया टीम के लिए खेलते हुए भी देख सकते हैं। कैमरामैन राज के साथ अभिषेक प्रसाद, DD News। और अब बात